हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज इस वीडियो में हम देख रहे हैं प्रेजेंट में कौन क्या है। ये बिल्कुल आपको जनवरी 2019 तक अपडेटेड होगी, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। अगर आपका एग्ज़ाम आने वाले टाइम में, तो आपको इसमें कुल 50 से ऊपर कौन क्या है के क्वेश्चंस मिलेंगे, कि सेबी के अध्यक्ष कौन है, LIC के कौन है, SBI के कौन है, आपके UPSC के अध्यक्ष कौन है, ये सारे चीज़ यहाँ पे आपको देखने के मिलेंगे, कौन कौन से मिनिस्टर्स हैं ये सभी। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। जैसा कि हमने आपको कहा, अगर आपका एग्ज़ाम आने वाले टाइम में, तो आपको यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन जरूर से ज़रूर पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूँ कि एग्ज़ाम से रिलेटेड इसी तरीके के और भी वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और सब्सक्राइब करने के बाद इस बेल आइकन पर क्लिक करिए, ताकि हम जो भी वीडियोज़ अपलोड करें उसकी आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं भारत के राष्ट्रपति के बारे में। भारत के राष्ट्रपति यानी कि आपके हो गए प्रेसिडेंट। इंडिया के हमारे प्रेजेंट में प्रेसिडेंट कौन है, तो प्रेसिडेंट है हमारे रामनाथ कोविंद जी। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि प्रेसिडेंट हमारे कौन हो गए, तो रामनाथ कोविंद। इसके साथ साथ आपको ये नहीं पूछेगा कि प्रेसिडेंट कौन है, क्योंकि ये तो जनरल क्वेश्चन है। प्रेसिडेंट हो या आपके हो गए प्राइम मिनिस्टर, ये सारे जनरल क्वेश्चन होते हैं, तो आपको इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि भारत के प्रेसिडेंट जो रामनाथ कोविंद जी हैं, वो इससे पहले कहाँ के राज्यपाल थे, कहाँ से के गवर्नर थे, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपको ध्यान में रखना है कि जो हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट हैं रामनाथ कोविंद जी, ये इससे पहले बिहार के गवर्नर रह चुके हैं। ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाती है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। अब नेक्स्ट उसी तरीके से अगर बात करते हैं इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के बारे में, कि भारत के प्रधानमंत्री कौन है, तो ये भी सभी को पता होगा कि नरेंद्र मोदी है। बट इनके साथ साथ जो क्वेश्चन होते हैं, वो आपको डायरेक्टली ये नहीं पूछता कि प्रधानमंत्री कौन है, ये पूछता है कि किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो आपके गुजरात से बिलोंग करते हैं। फिर यहाँ से क्वेश्चन इनके द्वारा लिखी हुई बुक्स के बारे में पूछा जाता है। फिर आपको ये नीति आयोग, नीति आयोग आपका एक जो है, नीति आयोग के बारे में पूछता है कि इसके अध्यक्ष कौन है, तो नीति आयोग के अध्यक्ष हमारे हमेशा प्राइम मिनिस्टर होते हैं, तो हमारे नरेंद्र मोदी जी हो जाएंगे। इसी तरीके से एग्ज़ाम से रिलेटेड नरेंद्र मोदी जी ने बुक जो निकाला, उसके बारे में आपसे क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको ये सारी चीज़ इनके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है, तो आपको ये सारी चीज़ ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है इसी तरीके से भारत के उपराष्ट्रपति कौन है, हमसे पूछ रहा है वाइस प्रेसिडेंट कौन है, तो उपराष्ट्रपति हैं आपके वेंकैया नायडू, यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फिर उसी तरीके से UPSC के बारे में, कि UPSC का कार्यवाहक अध्यक्ष किसे बनाया गया है, तो UPSC के कार्यवाहक अध्यक्ष है अरविंद सक्सेना जी, ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगी। फिर उसी तरीके से बात करेंगे तो वर्तमान में निर्वाचन आयुक्त किसे बनाया गया, आपके जो प्रेजेंट में निर्वाचन आयुक्त है इसे किसे बनाया गया। आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, क्योंकि लास्ट में हम आपके इससे रिलेटेड 3-4 MCQ लेके आएंगे, जिसके कि आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा। तो आप इसलिए इसे अच्छे तरीके से देखो, ताकि आप MCQ के आंसर आसानी से दे सको। तो नेक्स्ट है हमसे पूछ रहा है कि निर्वाचन आयुक्त किसे बनाया गया है, तो निर्वाचन आयुक्त जो है सुनील अरोड़ा जी को बनाया गया है। फिर उसी तरीके से परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, तो परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष हैं हमारे नागेश्वर राव गुंटूर, आपको ध्यान में रखना है नागेश्वर राव गुंटूर। फिर हमसे पूछ रखा है कि मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री किन्हें बनाया गया है, तो मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री हैं हमारे कमलनाथ, ये आपको दिसंबर 2018 में बनाया गया है, इसलिए ये आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ साथ 3-4 स्टेट्स के और भी मुख्यमंत्री चेंज हुए हैं, तो आपको मुख्यमंत्री से रिलेटेड हमने अलग से वीडियो बना के रखा है, आप उस वीडियो को लास्ट में ज़रूर देखें। इस वीडियो को अलग से देखें मुख्यमंत्री से रिलेटेड, और उसे भी पूरी देखें, यहाँ से आपके ज़रूर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसमें हमने पूरे स्टेट्स और यूनियन टेरेटरीज के चीफ मिनिस्टर और गवर्नर के लिए जो वीडियो बनाया है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपके मध्य प्रदेश के नए चीफ मिनिस्टर बने, छत्तीसगढ़ के नए बने, राजस्थान के बने, मेघालय के बने, तो ये सारे स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर और ये कौन से पार्टी से बिलोंग करते हैं, ये सारे चीज़ आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो का निर्देशक किसे बनाया गया है, तो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो का निर्देशक रामफल पवार को बनाया गया है। नेक्स्ट है मिजोरम के नए मुख्यमंत्री कौन है, ये भी आपको दिसंबर 2018 में ही बनाया गया है, तो मिजोरम के नए मुख्यमंत्री हैं जोरम थंगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के सचिव कौन बनाए गए हैं, तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के सचिव जो है हमारे अशोक कुमार सिंह बनाए गए हैं।
फिर हमसे पूछ रहा है, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत के 46वें मुख्य न्यायाधीश कौन है, या फिर आपके भारत के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो ये है हमारे रंजन गोगोई जी, इसे भी आपको ध्यान में रखना है कि 46वें हो या फिर प्रेजेंट, ये दोनों आपके रंजन गोगोई जी हो गए। नेक्स्ट है नीति आयोग के उपाध्यक्ष, नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं हमारे राजीव कुमार, और अगर इसके सीईओ के बारे में बात करते हैं तो अमिताभ कांत, और जैसा कि हमने आपको बोला अध्यक्ष हमारे हमेशा प्रधानमंत्री होते हैं तो नरेंद्र मोदी हो जाएंगे। नेक्स्ट है राज्यसभा में विपक्ष के नेता कौन है, राज्यसभा में विपक्ष के नेता कौन है, तो ये है हमारे गुलाम नबी आज़ाद। नेक्स्ट है कैबिनेट सचिव वर्तमान में कौन है, कैबिनेट के सचिव वर्तमान में कौन है, तो प्रदीप कुमार सिन्हा जी हैं। नेक्स्ट है आईबी के प्रमुख कौन है, इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रमुख कौन है, तो राजीव जैन जी हैं। फिर हमसे पूछा कि आईटीबीपी के प्रमुख कौन है, तो एसएस देशवाल जी हैं। नेक्स्ट है वर्तमान में बीएसएफ के महानिदेशक कौन है, तो बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स सीमा सुरक्षा बल, इसके महानिदेशक की बात की जा रही है, तो रजनीकांत मिश्रा जी हैं। नेक्स्ट है विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है, विधि आयोग के अध्यक्ष है बलवीर सिंह चौहान। फिर हमसे पूछा एलआईसी के बारे में, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय जीवन बीमा निगम, इससे हमके पूछ रहे अध्यक्ष के बारे में, तो ये हो गए हमारे विजय कुमार शर्मा। फिर आपसे पूछा एसबीआई के यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष, तो ये हो गए रजनीश कुमार। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, तो सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष है प्रसून जोशी। फिर हमसे पूछा राजस्थान के नए मुख्यमंत्री, हमने आपको बोला ये भी आपको दिसंबर 2018 में ही चेंज हुए हैं, तो राजस्थान के नए मुख्यमंत्री बने अशोक गहलोत। फिर है हमारा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है, तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। फिर हमसे पूछ रहा है ट्राई के अध्यक्ष कौन है, तो ट्राई आपका TRAI एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह है, तो इसके अध्यक्ष है राम सेवक शर्मा। फिर हमसे पूछ रहा है कानूनी न्याय एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है, तो कानूनी न्याय एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं रविशंकर प्रसाद। नेक्स्ट है नीति आयोग के अध्यक्ष, हमने ऊपर ही देखा था नरेंद्र मोदी हैं। फिर सेबी के नए अध्यक्ष, तो सेबी के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं अजय त्यागी। नेक्स्ट है RBI के गवर्नर यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर कौन है, तो शक्तिकांत दास। फिर हमसे पूछ रहे FTII के अध्यक्ष, तो FTII के अध्यक्ष है हमारे ब्रिजेंद्र पाल सिंह। फिर हमसे पूछ रहे हैं नए वित्त सचिव कौन बनाए गए हैं, तो नए वित्त सचिव बनाए गए हैं अजय नारायण झा। नेक्स्ट हमसे इसी तरीके से पूछ रहे हैं वर्तमान में राजस्व सचिव कौन है, तो राजस्व सचिव है अजय भूषण पांडे। फिर हमसे पूछ रहा है कि DRDO के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो DRDO के वर्तमान अध्यक्ष है जी सतीश रेड्डी। फिर हमसे पूछ रहा है अगर आप रेलवे के एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रेलवे बोर्ड के चेयरमैन कौन है, तो रेलवे बोर्ड के चेयरमैन है अश्विनी लोहानी। फिर हमसे पूछ रहा है भारत के महान्यायवादी कौन है, तो महान्यायवादी हैं KK वेणुगोपाल। नेक्स्ट है लोकसभा के उपाध्यक्ष कौन है, तो लोकसभा के उपाध्यक्ष है M. थंबीदुरई। नेक्स्ट है हमारा नौसेना वायुसेना थल सेना, ये तीनों में आपको बहुत कन्फ्यूजन रहेगी तो इन तीनों का नाम पता होना चाहिए। नौसेना के अध्यक्ष है सुनील लांबा, वायुसेना के अध्यक्ष है BS धनोआ, थल सेना के हैं विपिन रावत। ये तीनों नामों में काफ़ी कन्फ्यूजन रहते हैं, वायुसेना थल सेना और नौसेना में, तो आपको इनके नाम अच्छे तरीके से याद रख लेना है। नौसेना में आपके हैं सुनील लांबा, वायुसेना में BS धनोआ, थल सेना में है विपिन रावत। नेक्स्ट है 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है, 7th पे कमीशन के अध्यक्ष पूछ रहा है, तो ये है हमारे अशोक कुमार माथुर। नेक्स्ट है राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष कौन है, तो राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष है रेखा शर्मा। फिर हमसे पूछ रहा है ICC के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो शशांक मनोहर। नेक्स्ट हमसे पूछा नाबार्ड, नाबार्ड जो आपका एक बैंक की तरह एक संस्था है, तो नाबार्ड के चेयरमैन कौन है, तो हर्ष कुमार भनवाला। फिर है इसरो, इसरो के चेयरमैन पूछ रहा है, तो डॉक्टर के सिवन। फिर हमसे पूछ रहा है भारत के इस्पात मंत्री कौन है, तो चौधरी वीरेंद्र सिंह। नेक्स्ट हमसे पूछ रहा है कृषि मंत्री यानी एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है, तो राधा मोहन सिंह। फिर है हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव है एंटोनियो गुटेरस। नेक्स्ट है विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख कौन है, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख पूछ रहा है, तो
टेड्रोस एडेनोम गेब्रेयेसस है, हमारे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख। नेक्स्ट है वर्तमान गृह सचिव कौन है, तो राजीव गौबा है। नेक्स्ट है आईएमएफ की प्रमुख कौन है, आईएमएफ की प्रमुख है क्रिस्टीना लेगार्ड। नेक्स्ट है विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक के प्रमुख कौन है, तो जिम योंग किम। नेक्स्ट हमसे पूछा एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष कौन है यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष, तो ताकी ही को नकाओ। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट कौन क्या है। अब इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यू देख लेते हैं। जैसे कि आपका पहला है भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है, हमसे पूछ रहा है भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है। आपके ऑप्शंस दे के रखा है राम सेवक शर्मा, रविशंकर प्रसाद, रंजन गोगोई या अजय त्यागी। इसके आंसर हमने आपको ऊपर बता के रखा है, तो आप इसके आंसर हमें जरूर से ज़रूर कमेंट करो। नेक्स्ट इसी तरीके से कानूनी न्याय एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है, इसके लिए भी आपको चार ऑप्शंस दे के रखा है, आपको इसके आंसर्स भी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। फिर सेबी के नए अध्यक्ष कौन बने, तो राम सेवक शर्मा, रविशंकर प्रसाद, रंजन गोगोई या अजय त्यागी, ये सारे आपके क्वेश्चन है। फिर है वर्तमान गृह सचिव कौन है, राजीव गौबा, रविशंकर प्रसाद, रंजन गोगोई या अजय त्यागी। तो आपको इन चारों के आंसर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमें लाइक कमेंट एंड शेयर करके जरूर बताइएगा। देन बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।